लोकतंत्र की हत्या कर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देने वाली सरकार को किया जाए तुरंत बर्खास्त। राजू बाथम, शिवपुरी। पश्चिम बंगाल के संविद संदेश खाली में महिलाओं पर घटे जघन्य अपराधों पर अत्याचारों के विरोध में जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माधव चौक पर धरना प्रदर्शन कर ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की। जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिला विरोधी ममता सरकार जघन्य अपराधों के अपराधियों की सांठगांठ से चल रही है। ममता सरकार के अनेक मंत्री विभिन्न प्रकार के घोटालों में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। पूरे बंगाल में सरकार के संरक्षण में खुले रूप से राजनीतिक हिंसा व हत्या का खेल चल रहा है। वहां समाज विशेष के लोगों के लिए कानूनी रूप से अत्याचार करने की पूरी छूट दे दी गई है। उसी का उदाहरण संवेदन खाली की घटना है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का नेता शेख शाहजहां सत्ता के संरक्षण में महिलाओं से यौन उत्पीड़न, अवैध कब्जा, उगाही जैसे अनैतिक कृत्य कर रहा है और सरकार सारी घटनाओं पर आंखें बंद करे हुए है। कोर्ट के दबाव में उसे लिखावे के लिए गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के नाम पर सब शून्य है। हम सभी भाजपा जन ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बिना किसी देरी के बर्खास्त कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। एक अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री सोनू बिरथरे, गगन खटीक, मंत्री मुकेश चौहान, कार्यालय मंत्री राजीव जैन सहित भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है आप बताएंगे? आज हमने ज्ञापन तो नहीं दिया है लेकिन विरोध प्रदर्शन किया है शिवपुरी में हमारे मुख्य चौराहे से लेकर और हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी ने एकत्रित होकर ममता सरकार का भी विरोध किया है, ममता बनर्जी का भी विरोध किया है। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था और ये सारा की सारा उत्पीड़न जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के कारण और वहाँ की जो सरकार है पश्चिम बंगाल की उसकी सहभागिता उसमें थी। इसीलिए जो है पूरे देश को ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है वो एक ओर तो महिला है और महिला होने का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर उनके ही राज्य में और इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है जैसा कि सारे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यह संदेश दिया है कि माता बहनों के साथ कहीं भी इस राम जी की जन्मभूमि पर, राम जी और हमारे ऋषि मुनियों के देश की जन्मभूमि पर, राम कृष्ण राधा और रुक्मणी की भूमि पर किसी प्रकार का अत्याचार हम अपनी बहनों के साथ नहीं होने देंगे, इसलिए हमने ये विरोध किया है। धन्यवाद। बहुत